नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का एट्थ पार्ट, इसको सॉल्व करते हैं। लेट कर लिया z इक्वल टू 1 माइनस आयता की पावर 4, और इसको हम जो है वो ऐसे लिख सकते हैं 1 माइनस आयोटा का स्क्वायर और उसका भी स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आइडेंटिटी बन गई है a माइनस b का होल स्क्वायर, और जो a माइनस b का होल स्क्वायर आइडेंटिटी होती है वो होती है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab के बराबर, ठीक है। तो यहाँ पे हम इस आइडेंटिटी का यूज करेंगे और इसका आंसर निकालेंगे, ठीक है। तो a है 1, तो 1 का स्क्वायर मींस 1 प्लस आयोटा का स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर, ठीक है, माइनस 2 इंटू 1 इंटू आयोटा, तो इसको लिखेंगे 2 आयोटा, और इसका भी क्या था, होल स्क्वायर था, ठीक है। 1 अभी हमें पता है आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है वो माइनस 1 होती है, तो ये वैल्यू पुट करेंगे 1 प्लस या फिर माइनस का 1, तो माइनस प्लस माइनस लिख सकते हैं डायरेक्टली यहाँ पे, ये माइनस 1, ठीक है। आगे हम माइनस 2 आयोटा और इसका होल स्क्वायर, अब 1 माइनस 1 0, सिंपली बच गया हमारे पास माइनस 2 आयोटा का स्क्वायर। तो इसको लिखने के लिए हम दोनों को जो है वो इंडिविजुअली इसकी पावर को सॉल्व कर लेते हैं, माइनस 2 की पावर भी 2, तो 2 की पावर जब 2 तो 2 टू 4 हो गया, माइनस जो है वो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाती है, आयोटा का स्क्वायर जो होता है वो माइनस 1 हो जाएगा, और 4 वन जब 4 माइनस 4 जो है वो हमारे पास इसका सिंप्लीफाई करके आंसर आ जाएगा। लेकिन हमें तो a प्लस आयोटा बी की फॉर्म में लिखना था इसको, तो z इक्वल टू a की वैल्यू जो है वो माइनस 4 है प्लस आयोटा बी, यह 0 आयोटा इसको लिख सकते हैं, जहाँ आयोटा 0 लिख सकते हैं, ठीक है। इसकी फॉर्म में हमने इसको रिप्रेजेंट कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका पार्ट जो है वो नाइन्थ पार्ट है, जिसमें लिखा है 1/3 प्लस 3 आयोटा की होल पावर 3, ठीक है। मतलब डायरेक्टली हमें यहाँ पे a प्लस b का होल क्यूब फॉर्मूला यूज करना है, ठीक है। तो a प्लस b का होल क्यूब जो फॉर्मूला होता है वो होता है a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस b, ठीक है। तो ये आइडेंटिटी हमें यहाँ पे यूज करना है। चलिए शुरू करते हैं, z इक्वल टू a की वैल्यू 1/3, तो डायरेक्टली लगा देंगे 1 का क्यूब मींस 1/3 का क्यूब प्लस b का क्यूब मतलब 3 आयोटा का क्यूब प्लस 3 इंटू a, a की वैल्यू 1/3 इंटू b, b की वैल्यू है 3 आयोटा, और ब्रैकेट में a प्लस b, a है 1/3 प्लस b बी है 3 आयोटा, ठीक है। अब यहां से देखा जाए तो 3 से 3 कट हो जाएगा, ठीक है। इसको लिखेंगे 1 का क्यूब 1 होता है, 3 का क्यूब है 3, 3 से 9, 9 3 से 27, तो यहां का 27 प्लस 3 का क्यूब आ गया 27, आयोटा का क्यूब को लिख सकते हैं आयोटा स्क्वायर डॉट आयोटा, ठीक है। मतलब आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा जो है वो आयोटा क्यूब ही बनता है, तो ये लिख लिया हमने इसको, प्लस यहां से बचा था 3 आयोटा, और जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बनेगा 1 1 जा 1 प्लस 3 3 जा 9 आयोटा अपॉन 3 1 जा 3, और इस ब्रैकेट को भी हम ओपन कर लेंगे, ठीक है। तो यहां से जो है ये वाली वैल्यू पूरी डिवाइड बाय 3 है, ये मल्टीप्लाई में इसके, तो 3 से 3 भी कट हो जाएगा, तो ये बनेगा 1/27 प्लस 25 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू माइनस 1 डायरेक्टली, ठीक है, और बचा इसके साथ आयोटा, प्लस यहाँ पे बचा था आयोटा उसके साथ मल्टीप्लाई में, मल्टीप्लाई में बचा था 1 प्लस 9 आयोटा, ठीक है। तो इसका 1/27 यहाँ पे 27 माइनस बचा माइनस 27, दोनों को मल्टीप्लाई करके यहाँ पे साइन आ जाएगा 27 आयोटा, ठीक है। अब यहाँ पे प्लस आयोटा बांजा आयोटा प्लस प्लस यहाँ पे प्लस और आयोटा इंटू 9 आ जाता, तो 9 आयोटा का स्क्वायर हो गया। फर्दर सॉल्व करेंगे 1/27 माइनस 27 आयोटा,
अच्छा इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं यहीं पे ही। माइनस का 27 आई होता था और ये प्लस का 1 नहीं होता है, तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। 27 आई होता में से 1 आई होता माइनस करेंगे तो ये बनेगा 26 आई होता, और बड़ी टर्म जो थी वो माइनस की थी। और 9 आई होता का स्क्वायर तो इसको लिख सकते हैं प्लस 9 इंटू माइनस 1, क्योंकि आई होता स्क्वायर जो होता है वो माइनस 1 होता है। इसकी वैल्यू आ गई 127। अब ये जो वैल्यू थी 9 माइनस का 9 है पूरा, ठीक है, तो हम इसके साथ लिख सकते हैं इसको माइनस 9/1 प्लस का है सॉरी माइनस का है 26 आयोटा, ठीक है। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे 1 + 1 रहेगा माइनस 27 आएगा, 9 × 6 = 63 243, ठीक है, वो डिवाइड में रहा है 27 और प्लस है 26 आयोटा माइनस सॉरी, ठीक है। यहाँ से फर्दर सॉल्व करा 243 में से माइनस 1 करा तो 242 आया, वो भी बड़ी टर्म जो थी वो माइनस की, तो डिवाइड में 27 माइनस 26 आयोटा। तो ये जो है वो हमने ए प्लस आयोटा बी की टर्म में इसको लिख दिया। यहाँ पे माइनस है, माइनस इसके साथ ले लेंगे तो प्लस में भी इसको कन्वर्ट। नेक्स्ट है 10th पार्ट जिसमें बोला गया है -2 - 1/3 आयोटा की पावर 3, इसको सिंपलीफाई करके हमने a प्लस आयोटा b की फॉर्म में चेंज करना है। तो फॉर्मूला यहाँ पे देख सकते हैं इसको, ये था अगर हम यहाँ से माइनस कॉमन ले, पहले इसको रीअरेंज कर लेते थोड़ा, तो यहाँ से अगर माइनस कॉमन ले लें हम तो यहाँ पे बचेगा 2, ठीक है, और यहाँ पे माइनस कॉमन लेनी थी तो यहाँ पे बचेगा प्लस 1/3 आयोटा की पावर 3। अब यहाँ पे हमारे पास आइडेंटिटी बन गई है a प्लस b का होल क्यूब, ठीक है, तो a प्लस b का होल क्यूब जो होता है वो होता है a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस b, ठीक है, ये आइडेंटिटी हमने यहाँ पे यूज करी है, ठीक है, और a की वैल्यू 2, b की वैल्यू है 1/3 आयोटा इसके अकॉर्डिंग, ठीक है। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं, ये जो हमने था z के बराबर जो था वो लेट करा था, ठीक है, माइनस कॉमन ले लिया, a का स्क्वायर मींस a का क्यूब सॉरी 2 की पावर 3 प्लस b का क्यूब मींस 1/3 आयोटा की पावर 3 प्लस 3 × a × b × a + b, ठीक है, ये हमारे पास इक्वेशन बन गई है, ठीक है। यहाँ से माइनस तो कॉमन था बाहर, ये हमें 2 की पावर 3 मतलब 2 × 2 = 8 प्लस 1 की पावर 3 मींस 1 और 3 की पावर 3 मींस 27 आयोटा का क्यूब मींस आयोटा स्क्वायर मल्टीप्लाई आयोटा, इसको लिख सकते हैं हम प्लस 3 से 3 कट हो जाएगा तो ये बनेगा सिंपली 2 आयोटा, और जब इसको सिंपलीफाई करेंगे हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके तो ये बनेगा 3 × 6 प्लस आयोटा अपॉन 3, ठीक है, और ये जो होगा वो इसके साथ मल्टीप्लाई में होगा। अब इसके बाद माइनस बाहर थी, अब यहाँ से आयोटा का स्केल जो होता है वो हमें पता है माइनस 1 होता है, आयोटा स्केल की जगह अगर हम माइनस 1 पुट करें, ठीक है, आयोटा स्केल जो था वो होता है माइनस 1 के बराबर, तो आयोटा स्केल की जगह हमने माइनस 1 यहाँ पुट कर दिया, तो ये जो वैल्यू होगी यहाँ पे माइनस हो जाएगा 8 माइनस इसको लिखेंगे 1/27 आयोटा प्लस, अब ये वाली वैल्यू इसके साथ पूरे के साथ मल्टीप्लाई, तो 2 × 6 = 12 आयोटा प्लस 2 आयोटा का स्क्वायर, 2 आयोटा का स्क्वायर अपॉन 3, ठीक है। अगर यहाँ पे आयोटा स्क्वायर की जगह मैं माइनस 1 पुट कर दूँ, ठीक है, तो सिंपलीफाई हो जाएगा ये, ठीक है, माइनस तो हमारे पास कॉमन थी उसके बाद ब्रैकेट लगी थी उसके अंदर लिखा था 8 माइनस 1/27 आयोटा 1/27 आयोटा प्लस 12 आयोटा
और यहाँ पे आ गया माइनस का 2 और अपॉन में था इसके 3। ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे हम, माइनस कॉमन ले लिया है, ये लिखा है 8। अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये जो 3 है दोनों पे डिवाइड में है, 12 आयोटा अपॉन 3 है, माइनस 2 अपॉन 3 है, तो हमें न्यूमेरिकल वैल्यू अलग करनी है, तो 8 तो लिख लिया हमने, यहाँ पे माइनस 2 अपॉन 3 इसके साथ लिख सकते हैं, माइनस 2 अपॉन 3 और माइनस में बचा 1/27 आयोटा, और इसके साथ प्लस में क्या है, 12 आयोटा अपॉन 3 प्लस 12 आयोटा अपॉन 3। तो इसके आगे हम यहाँ पे करेंगे माइनस, हमारे पास कॉमन था, जब इसको सोल्व करा तो हमारे पास बना 3 8 24, माइनस 2 करेंगे तो 24 माइनस 2 22 अपॉन 3 आ गया, और इन दोनों को सोल्व करेंगे 3 1 3 आयोटा और 27 12 करेंगे तो 324 बन जाएगा हमारे पास। ठीक है, 27 12 करा 324 आयोटा प्लस 3 आयोटा। ठीक है, पर ये माइनस का ये प्लस का, तो माइनस प्लस माइनस होगा, 324 में से अगर 3 निकाल देते तो 321 हो जाएगा, 321 आयोटा अपॉन नीचे 27 3 का 81। ठीक है, और यहाँ पे ये माइनस का ये प्लस का, बड़े टर्म प्लस की है तो यहाँ पे प्लस का रहेगा और ब्रैकेट बंद। ठीक है, इसके बाद ये दोनों आपस में जो कट भी हो जाते हैं, 27 3 का 81 और 107 3 का 321। ठीक है, तो इसको जब आगे सॉल्व करेंगे हमारे पास आ जाएगा z इक्वल टू, ब्रैकेट ओपन करिए तो माइनस का 22 अपॉन 3 और ये माइनस प्लस, यहाँ पे माइनस का ही 107 आयोटा अपॉन 27। तो ये हमारे पास जो है वो a प्लस आयोटा b के फॉर्म में आ चुका है, यहाँ पे a की वैल्यू 22 अपॉन 3 और b की वैल्यू है माइनस 107 अपॉन 27। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।